रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां बताए थे तुम लोगों को, बताए थे सबसे पहले, बताए थे बोलो रदरफोर्ड का मॉडल होता क्या है, वो बताए थे, उसकी विशेषता पे चर्चा किए थे। तो रदरफोर्ड का मॉडल है बाबू, ध्यान दो, देवियों एवं सज्जनों ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान दो। अब सुनो इधर, उसका क्या सब था पहले, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला था रदरफोर्ड के मॉडल का। रदरफोर्ड में क्या किए थे, रदरफोर्ड अल्फा किरण लिए थे, ठीक है, सोने की पत्ती लिए थे, सोने की पत्ती पर अल्फा किरण को फेंके थे। क्या देखे थे, वो निष्कर्ष क्या सब निकला था कि ज़्यादातर अल्फा किरण जो है सीधा चला जाता था, ज़्यादातर अल्फा किरण किधर चला जाता था, सीधे चल जाता था, सीधे ऐसे। ज़्यादातर अल्फा किरण सीधे चल गया, कुछ जो अल्फा किरण होता था वो क्या होता था, विचलित हो जाता था, मुड़ जाता था, ठीक है। और बहुत कम अल्फा किरण जो है अपने रास्ते पर लौट जाता था, वापस लौट जाता था, ठीक है। ये तीन गो बात थे, इसे तीन गो निष्कर्ष निकाल लिए, है ना, तीन गो चीज देखें और उसे तीन गो निष्कर्ष निकल गया। पहला चीज क्या देखें, ज्यादातर अल्फा किरण एकदम स्ट्रेट चल गया, देखो दिख रहा है ना, ज्यादातर अल्फा किरण एक दो तीन चार गो स्ट्रेट चल गया, तो ज्यादातर अल्फा किरण क्या हो गया, स्ट्रेट चल गया। कुछ अल्फा किरण क्या हो गया, मुड़ गया, विचलित हो गया। और बहुत कम अल्फा किरण क्या हुआ, अपने रास्ते पर वापस लौट गया। तीन गो चीज देखें और तीन गो निष्कर्ष निकाल लिए। पहला निष्कर्ष क्या निकालें कि परमाणु का ज्यादातर स्पेस खाली होता है। पहला निष्कर्ष क्या निकालें, परमाणु का ज्यादातर स्पेस क्या होता है, खाली होता है। ज्यादातर स्पेस खाली है तभी ना एकदम यहां से यहां आर पार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा निष्कर्ष निकालें, ये जो विचलित हुआ है इसका मतलब ये है अल्फा किरण पर पॉजिटिव चार्ज, अल्फा किरण पर क्या होता है, और अल्फा किरण क्या, हीलियम का नाभिक है, हीलियम का न्यूक्लियस है, He2+ है अल्फा, है ना, अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है, He2+ है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। यदि ये विचलित होता है इसका मतलब है बाबू, ध्यान दो, सोमवारी कैसे करना उस पर चर्चा कर रही है, इसका मतलब नाभिक पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नाभिक पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर देगा, रिपेल कर दिया, प्रतिकर्षण कर दिया। और तो दूसरा निकल गया, दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि जो नाभिक होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यह धनात्मक आवेश होता है इस पर, समझिए ना। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, नाभिक पर धनात्मक आवेश होता है, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निष्कर्ष निकला, निकल गया। और उसके बाद इससे ये भी पता चलता है कि नाभिक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब नाभिक के अंदर कौन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, समझ गए। और तीसरा निष्कर्ष क्या निकला कि जो नाभिक होता है बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है, बहुत घना होगा, तभी तो जाकर के एक अल्फा कण छोटा सा होगा और ये बहुत क्या है, भारी चीज़ है, इससे टकराएगा और वापस लौट जाएगा। अगर ये भारी नहीं होता तो क्या होता, टकराता, इसको भी फेंक देता उधर, नहीं फेंक देता, इसका मतलब ये बहुत भारी है, अल्फा कण इसको मारबो किया, इस पर कोई असर नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, नाभिक बहुत भारी चीज़, समझ गया। अगर नाभिक भारी नहीं होता तो क्या होता, अल्फा कण इसको फेंक देता, क्या समझे। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु का लगभग पूरा का पूरा द्रव्यमान केंद्रित है कहाँ पर, नाभिक में केंद्रित है। और इसका यह भी मतलब है कि नाभिक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, नाभिक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ये भी हम लोगों को पता चल गया। तो तीन बात से तीन निष्कर्ष निकालनी है, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, इनके मॉडल में भी क्या रह गया, कुछ कमी रह गया, कमी रह गया जिसके कारण क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिक का रात का नींद उड़ गया, रात का नींद उड़ा, सबसे पहले किसका नींद उड़ा, ना रे ये तो करके चला गया, समाधि ले लिया क्या समझे, नील्स बोर का नींद उड़ा, नौ से नींद और नौ से नील, नौ से बोर, नौ से नील्स, समझ गया,
तो किसका नींद हो रहा है ना, नील्स बोर का, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सोचा कि ये दो प्रश्न पर विचार किए। पहला बोले कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है परमाणु का स्थायित्व को कहाँ व्याख्या किया है ना, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या तो करवे नहीं किया। रदरफोर्ड का जो मॉडल है परमाणु के अस्थायित्व का व्याख्या नहीं किया है ना। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार तो परमाणु का नाश हो जाना चाहिए है ना, और वो कैसे नाश होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होगा है ना, इस प्रकार से स्पाइरल बना करके जाके नाभिक से टकरा जाना चाहिए रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कुछ कमी रह गया इनकी थ्योरी में, रदरफोर्ड की थ्योरी में क्या रह गया, कुछ कमी रह गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिए कौन, नील्स बोर दे दिए। और दूसरा क्या कमी रह गया कि ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी ये मॉडल नहीं कर पाया, ठीक है ना है। रेखीय स्पेक्ट्रम हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू, हाइड्रोजन में रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊर्जा की अवस्था से निम्न ऊर्जा की अवस्था में आता है तो रेडिएशन निकालता है, विकिरण निकालता है ना, तो उसी को हम लोग रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। और वो जो ऊर्जा निकलता है वो सतत नहीं होता है, रेखीय होता है, क्या समझे, मतलब एक ऊर्जा निकलेगा है ना, फिर अलग से दूसरा ऊर्जा, दो चीज़ होता है सतत और एक चीज़ होता है रेखीय। सतत और रेखीय में क्या अंतर है, सतत का मतलब होता है कि देखो जब दो चीज़ आपस में एकदम जुड़ा हुआ रहे, मिला हुआ रहे, दोनों में अंतर नहीं किया जा सके उसको सतत कहते हैं, अंग्रेजी में कंटिन्यूअस कहते हैं, समझ गए। दो चीज़ आपस में एकदम सटा हुआ रहे, जैसे इंद्रधनुष में जो रंग रहता है बोलो वो सतत होता है कि रेखीय होगा, इंद्रधनुष में जो रंग होगा, सात रंग होता है ना इंद्रधनुष में, वो सतत बनता है या रेखीय बनता है, वो सतत बनता है क्योंकि सातों रंग आपस में पूरा आपस में जुड़ा रहता है ना, एक के बाद एक रंग, सातों रंग क्या रहता है बोलो, आपस में जुड़ा रहता है। तो वैसे चीज़ को सतत कहते हैं, जब दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ आपस में बिल्कुल जुड़ा रहे उसको क्या कहते हैं, सतत कहते हैं। लेकिन रेखीय का मतलब क्या है, जैसे बालू का अगर एक मुट्ठी बालू लेंगे तो उसका हर कण क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, एक कण अलग छांट सकते हैं, फिर दूसरा कण को अलग छांट सकते हैं, तो वो हो गया रेखीय चीज़, जिसके कण को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से परमाणु से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो रेखीय बनता है, सतत नहीं बनता है, मतलब एक विकिरण निकलेगा उसके बाद दूसरा विकिरण निकलेगा और सबको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि विकिरण एकदम सतत रूप से निकलेगा, नहीं, एक एक करके निकलेगा, उसी को हम लोग सतत कहते हैं, मतलब रेखीय कहते हैं, समझ गया ना। और एकदम एक के जैसे निकलते रह जाता उसको हम लोग सतत कहते हैं, समझ गया। तो रेखीय स्पेक्ट्रम निकलता है परमाणु सबसे, क्या बनता है, रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बोर का परमाणु सिद्धांत। नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ नील्स बोर।
लिखेंगे बाबू, लिखो। नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत लिखा, एटॉमिक थ्योरी ऑफ नील्स बोर। ये दो गो महत्वपूर्ण थ्योरी दे दिए, दो गो ऐसा थ्योरी दिए कि जो दो गो प्रॉब्लम था, है ना, पिछले मॉडल में दो गो जो प्रॉब्लम था, ये दो गो थ्योरी दिए, दोनों से वो मतलब व्याख्या हो गया, है ना, दोनों का हल निकल गया। दो गो जो प्रॉब्लम था ना पीछे रदरफोर्ड के मॉडल में, कितना प्रॉब्लम था, दो गो प्रॉब्लम था, तो दो गो थ्योरी दिए और दोनों प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समझ गया कि नहीं? पहला थ्योरी क्या था इनका, लिखो, पहला थ्योरी क्या था, लिखो, लिखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं, हाँ, वृत्तीय कक्षाओं, वृत्तीय, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं, है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है, वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। इन, हाँ, इन कक्षाओं में, इसी में लिखना है बाबू, इसी बिंदु में आगे लिखो, इन कक्षाओं में, इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण, विकिरण नहीं उत्पन्न करते हैं, इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं उत्पन्न करते हैं, इन कक्षाओं को, इन कक्षाओं को स्थाई कक्षाएं कहा जाता है, इन कक्षाओं को स्थाई कक्षाएं कहा जाता है, इन कक्षाओं को स्थाई कक्षाएं कहा जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, है ना, बोर्स का एटॉमिक थ्योरी में लिखेंगे पहला बिंदु, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सच ऑर्बिट्स, इन सच ऑर्बिट्स इन विच दे डू नॉट रेडिएट, इन विच दे डू नॉट, इन विच दे डू नॉट रेडिएट, राजू सर आए टेस्ट दे रहे हैं ना रे, इन विच दे डू नॉट रेडिएट इनर्जी, इन विच दे डू नॉट रेडिएट इनर्जी, सच ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेबल ऑर्बिट्स, सच ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेबल ऑर्बिट्स या स्थाई कक्षाएं, स्थाई कक्षाओं को हम लोग अंग्रेजी में स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। चलिए जी, इसका अर्थ समझ लीजिए, इस बिंदु का क्या अर्थ है, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है ना, किसी खास कक्षा में घूमता है बाबू। मान लो कि ये नाभिक है, इसके चारों ओर घूमता है कौन, इलेक्ट्रॉन, तो जिस वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है उस कक्षा से ये
विकिरण नहीं निकालता है, विकिरण उत्पन्न नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमता है ना, उन कक्षाओं से विकिरण उत्पन्न नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या था पिछला थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो विकिरण उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होगा, उसके ऊर्जा का नाश होगा, और ऊर्जा का नाश होगा तो इसका पथ छोटा होते जाएगा और ये धीरे धीरे जा करके नाभिक में मिल जाएगा। तो नील्स बोर क्या कह दिया कि नहीं जी, इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्पन्न नहीं करता है। क्या समझे? देखो ये सब ठगना हुआ लोग को, समझ गया? जब एक वैज्ञानिक बोल दिया नहीं, लोग को क्या है, ठगना है, और लोग ठगा भी जाता है, हम लोग विद्यार्थी लोग ठगा जाता है। देखो मैक्सवेल क्या कह के गए, हाँ रे मैक्सवेल, इसके पहले मैक्सवेल पे चर्चा किए थे, समझ गया? ये मैक्सवेल क्या बोले थे, मैक्सवेल कहे थे कि कोई भी त्वरित इलेक्ट्रॉन जो रहता है, कौन त्वरित इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, ऊर्जा विकिरित करता है ना, ऊर्जा विकिरित करता है या ऊर्जा उत्पन्न करता है या विकिरण उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का नाश होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि त्वरित अवस्था में होगा, त्वरित मतलब एकदम चल रहा होगा, उसके अंदर त्वरण होगा, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा बाहर निकालेगा, विकिरण निकालेगा, जिससे ऊर्जा का नाश होगा। ऊर्जा का नाश होगा तो क्या होगा, इसका स्पीड घटेगा, इसका पथ जो होगा छोटा होते जाएगा, और पथ छोटा होते जाएगा, और एक समय के बाद जा करके ये नाभिक से टकरा जाएगा। ई थ्योरी हो गया मैक्सवेल के अनुसार, क्या समझे? और यहाँ पे आकर के नील्स बोर क्या बोल दिए कि नहीं नहीं करेगा, समझ गया? ऐसा नहीं बहुत बड़का एक्सप्लेनेशन दिए क्यों नहीं करेगा, बस बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमेगा और उसमें ऊर्जा या विकिरण उत्पन्न नहीं करेगा, बस इतने बोल दिए थ्योरी, और इस बात को उनका थ्योरी मान लिया गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, दो साइंटिस्ट के बातों में क्या हो गया, अलग अलग मतभेद हो गया कि नहीं हो गया। एक साइंटिस्ट बोले कि नहीं विकिरण उत्पन्न करेगा, मैक्सवेल क्या कहें कि विकिरण उत्पन्न करेगा, और नील्स बोर कहें कि उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग किसके बात को मान लिए, नील्स बोर के बात को मान लिए, क्योंकि उसके बात मानने से क्या हो गया, सफल व्याख्या हो गया, इसलिए मान लिए उसके बात को, तो मैक्सवेल के बात को कहा नहीं माने, समझ गए? तो इसका कोई जवाब नहीं है, नहीं माने व्याख्या हुआ नील्स बोर की थ्योरी पर, इसीलिए उसका बात मान लिए, समझ गया? तो ये ठगना हुआ कि किसी का बात मान लिए, किसी का बात नहीं माने। मैक्सवेल को कितना बुरा लग रहा होगा, उसका चर्चा नहीं हो रहा है, बोर का चर्चा हो रहा है ना, मैक्सवेल का नाम तुम लोग भूल ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परीक्षा में नहीं पूछेगा। क्रिकेटर है, दोहरा शतक, कहाँ का है रे, कौन देश का, ऑस्ट्रेलिया का है, चलो किसी के नाम से किसी को याद करेगा, ये मैक्सवेल हो गया क्रिकेटर, नाम उसके नाम से याद रखेगा वैज्ञानिक को, चलो। तो ये क्या बोले नील्स बोर, क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय कक्षा में घूमता है उसमें से विकिरण उत्पन्न नहीं करता है, और ऐसी कक्षाओं को क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं, क्योंकि ये कक्षा क्या है, अस्थाई है, तो इसमें से विकिरण उत्पन्न नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कक्षा क्या है, स्थायी कक्षा है, स्टेबल है, तो इसमें से विकिरण उत्पन्न नहीं करेगा। ये बात खाली बोल दिए, कौन, नील्स बोर, इसका कोई ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके बताए, ना डायरेक्टे बोल दिए क्या इसमें से विकिरण नहीं निकलेगा, समझ गया? आगे चल करके सुनील कुमार भी देगा थ्योरी, सुनील कुमार के है कोई नहीं, सुनील हमको लगा तुम्हारा नाम सुनील है, अच्छा तो सुनील थ्योरी दे देगा, तो क्या हम लोग पढ़ेंगे सुनील का परमाणु सिद्धांत क्या बोल पढ़ेंगे ना बाबू, उसके लिए पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग सोचेगा सुनील एक ठो है यहाँ पे, तो सुनील सोचेगा क्या कि हम भी अपना सिद्धांत दे देते हैं, मन में लड्डू फूट रहा होगा, तुम्हारा क्या किताब में छप जाएगा, नहीं छपेगा, उसके लिए पहले तुमको सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम वैज्ञानिक है, तभी ना, नहीं तो पूजा कुमारी भी सिद्धांत अपना दे देगी, ऐसा नहीं होता है बाबू, क्या समझे? हाँ चलो अब दूसरा सिद्धांत लिखो, लिखो, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं
इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग, को अंग्रेजी में एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम है ना, जिनमें उनका कोणीय संवेग एच बट्टे टू पाई का पूर्णांक गुणज होता है, एच बट्टे टू पाई का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग एच बट्टे टू पाई का पूर्णांक गुणज होता है। समझ गया, कॉमा दे के लिखेंगे, जहां एच सार्वत्रिक प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक नियतांक है। समझ गए, एच का मान कितना होता है, 6.626 × 10⁻¹¹ एसआई मात्रक क्या होता है, जूल गुना सेकेंड, विमा क्या होता है, ML² T-1। समझ गए, ML² T-1। इस बिंदु को हम समझाते हैं, अंग्रेजी में लिखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली electrons revolve in only such orbits in which their angular momentum is integral multiple of h बट्टे 2 pi। चलो जी, इसका क्या अर्थ है समझ लीजिए। पहला बिंदु में क्या बता के गए नील्स बोर, बोलो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों और वृत्तीय कक्षा में घूमता है, और जिस कक्षा में घूमता है उसमें से विकिरण उत्पन्न नहीं करता है, ऐसी कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। पहला बिंदु तो ये बता के चले गए, समझ गए, और दूसरा बिंदु क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है, क्या समझे है पवन कुमार, वही तो है पवन कुमार, हाँ जी तुम ही तो है, समीर का मतलब क्या होता है पवन, तो तुम्हारा नाम पवन कुमार, क्या समझे पवन कुमार, इसमें जो है बताओ एक बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है, और जिन कक्षाओं में घूमता है उसमें से विकिरण उत्पन्न नहीं करता है, ऐसी कक्षाओं को क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। दूसरा बिंदु में कहे नील्स बोर कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है, केवल उसी कक्षा में घूमेगा, ऐसे ऐसे करके घूमता है ना, सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसमें उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह h बट्टे 2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। समझ गया, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसमें उसका क्या चीज, कोणीय संवेग क्या होता है, h बट्टे 2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। ये दो बिंदु एकदम याद रखना, रट लेना, क्या करना, रट का स्पेलिंग रट, समझ गया, वो कर लेना है तुम लोग को, उससे क्या होगा
परीक्षा में ये चीज पूछा जाता है, दो नंबर आ जाएगा। समझ गया मधुमाला कुमारी? दो ठो बिंदु याद रख लेना, दो नंबर आ जाएगा। समझ गई? तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग, क्या चीज बोलो ना जी, साथी में बोलो ना, अभी तुरंत याद हो जाएगा। जिसमें उसका कोणीय संवेग क्या होता है? h बट्टे 2π का पूर्णांक गुणज होता है। समझ गया ना? एकदम तुरंत ही सब चीज़ याद हो जाएगा, अभी तुरंत क्लास में बैठे बैठे याद हो जाएगा। खाली यहाँ बैठ करके भोला बाबा का ध्यान लगाना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अभी नील्स बोर का ध्यान लगाओ। समझ गया? परमाणु पर ध्यान लगाओ। समझ गई? तो कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होता है? एच बट्टे 2π का पूर्णांक गुणज होता है। परमाणु के लिए क्या होता है बोलो? कोणीय संवेग जो होता है एच बट्टे 2π का पूर्णांक गुणज होता है। समझ गया? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह एच बट्टे 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। समझ गए ना? हाँ, अब सवाल उठेगा ये कोणीय संवेग क्या होता है। देखो, इसको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास में, कोणीय संवेग। नाभिक के चारों ओर कोनो एक ही कक्षा नहीं होता, बहुत कक्षा सब होता है। क्या समझे? ये बहुत सारी ऐसी कक्षाएं होती है, और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमेगा उसके साथ दो बात होगा। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा बाबू, मान लो यही कक्षा में, क्या समझे? जैसे देखो, इसको ऐसे समझ सकता है, इलेक्ट्रॉन का जो घर है वो क्या है? परमाणु। उसका घर जो है बाबू, 5-6 मंजिला घर है। एक मंजिला घर में नहीं रहता है, इतना आसान है। वो रहता है 10 मंजिला घर में। अब 10 मंजिला घर बाबू जी बना के दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन का अपना मर्जी है। मन करेगा तो कभी ई मंजिल पर रहेगा, कभी मन करेगा तो 4th मंजिल पर चल जाएगा, 4th मंजिल है। कभी मन करेगा तो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा, निचला तल पर। कभी मन करेगा तो 5वां तल पे चल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का मर्जी है, इतना उसको संपत्ति है, जिसमें मन उसमें रहेगा। क्या समझे? जब मन तब यहाँ से यहाँ उछल के चल जाएगा, और जब मन तब यहाँ से कूद जाएगा इसमें। क्या समझे? ये सब चलते रहता है परमाणु के अंदर। समझ गया ना? तो बहुमंजिला इमारत में रहता है इलेक्ट्रॉन। कहाँ रहता है? बहुमंजिला इमारत में रहता है, जिसमें मन उसमें कूदेगा इलेक्ट्रॉन। क्या समझे? इतना सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, है? बहुमंजिला इमारत मिलता है रहने का सबको सौभाग्य, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास वो सौभाग्य है। समझ गया? अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस भी मंजिल पर रहेगा उसी को हम लोग कक्षा कहते हैं। उसमें दो बात होगा, एक तो उसमें से विकिरण उत्पन्न नहीं करेगा, एक तो उसमें से बोलो विकिरण उत्पन्न नहीं करेगा, और दूसरी बात उसमें उसका कोणीय संवेग जो होगा वह एच बट्टे 2π का पूर्णांक गुणज होगा। समझ गया ना? तो इलेक्ट्रॉन जिस भी मंजिल में घूमेगा उसमें दो बात खास बात होगा, यही नील्स बोर का थ्योरी है। दो क्या खास बात होगा बोलो? कि जिस भी कक्षा में वह घूमेगा उसमें वह विकिरण उत्पन्न नहीं करेगा, और दूसरा उसमें कोणीय संवेग जो होगा वह एच बट्टे 2π का पूर्णांक गुणज होगा। ये दो बात खाली याद रख लेना है। समझ गए? अब देखो इसका कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसको L से सूचित किया जाता है, और इसका मान होता है m गुना v गुना r। कोणीय संवेग का मान कितना होता है? m गुना v, L बराबर m गुना v गुना r। मान लो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं, द्रव्यमान m है, इसका स्पीड क्या है? v है, और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी त्रिज्या दी गई है तुमको, उसकी त्रिज्या क्या दी गई है? r। समझ गया? तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या हो गया? m गुना v गुना। समझ गया? m का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, v का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्पीड, और r क्या है? इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी त्रिज्या है। समझ गया? तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? m गुना v गुना r। समझ गया? यही कोणीय संवेग, यही फॉर्मूला है।
जैसे देखो संवेग, तुम लोग सुना होगा संवेग, जिसको मोमेंटम कहते हैं। संवेग क्या होता है, यहां से आर हटा दो, एम गुना भी। संवेग क्या होता है, एम गुना भी, द्रव्यमान गुने वेग। लेकिन इसमें क्या है, कोणीय संवेग है, तो इसमें एक ठो आर एक्स्ट्रा आ गया, है ना। संवेग में क्या होता है, एम गुना भी, केवल एम भी होता है, और कोणीय संवेग में क्या होता है, आर भी आ जाता है, एम गुना भी गुना आर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गया ना। संवेग का मतलब एम गुना भी, और कोणीय संवेग का मतलब एम गुना भी गुना आर, बुझ गया। ठीक है जी, अब ये बात सब उसके नीचे ही लिखना, जो प्लांक ये जो दूसरा नियम लिखा है ना उसके नीचे लिख देंगे, कोणीय संवेग ये होता है। और बोर का थ्योरी क्या है, कोणीय संवेग जो होगा वह एच बट्टे टू पाई का क्या होगा, पूर्णांक गुणज होगा। पूर्णांक को एन से दिखाते हैं, पूर्णांक को किसे दिखाते हैं, एन से। तो कोणीय संवेग बराबर क्या हो गया, एन एच बट्टे टू पाई, है ना। कोणीय संवेग बराबर क्या हो गया, एन एच बट्टे टू पाई, बुझ गया। तो यही कहने का मतलब है, कोणीय संवेग जो हो गया यह एच बट्टे टू पाई का पूर्णांक गुणज हो गया। यहाँ एन का, एन का मतलब वही है, पूर्णांक है, समझ गया। गुणज मतलब गुना, एच बट्टे टू पाई में एन को गुना कर दिए हैं, इसी को कह रहे हैं पूर्णांक गुणज। यहाँ एन कुछ भी पूर्णांक हो सकता है, एक दो तीन चार, एन का मान क्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, एक दो तीन चार पाँच, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोणीय संवेग बराबर एन एच बट्टे टू पाई, यही बोर का दूसरा नियम है, है ना। नील्स बोर का दूसरा नियम है, कोणीय संवेग बराबर एन एच बट्टे टू पाई। यहां एन का मान कुछ भी हो सकता है, एक दो तीन चार पांच, समझ गए। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा एन का मान वही लेंगे। तो बोर का दूसरा सिद्धांत क्या है, कोणीय संवेग बराबर एन एच बट्टे टू पाई, शॉर्ट में यही है बोर का दूसरा सिद्धांत, कोणीय संवेग बराबर एन एच बट्टे टू पाई। यहाँ एन का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच डॉट डॉट डॉट, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब कोणीय संवेग को L से सूचित करते हैं ना, तो L बराबर क्या हो जाएगा, NH बटे 2 पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। और L बराबर क्या होता है, MVR, तो L के जगह पे हम MVR भी लिख सकते हैं। L के जगह पे क्या लिख सकते हैं, MVR, क्योंकि L का मान क्या है, कोणीय संवेग को L से सूचित करते हैं, और L का मान कितना होता है, MVR, तो L के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, MVR बराबर NH बटे 2 पाई। तो किसी भी रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में अलग अलग तरीका से दे सकता है, समझ गया। ये तरह से, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और सभी जगह N क्या है, एक पूर्णांक है, मतलब n का मान एक दो तीन चार पाँच कुछ भी हो सकता है। हाँ, तब h जो है प्लांक स्थिरांक है, और 2 पाई भी तो स्थिरांक है, इसका वैल्यू भी तो फिक्स होता है। h का मान नीचे लिख दो, 6.626 गुने 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड, ये h का मान है ना।